सो गाइस, आईफोन 16 को लॉन्च होने में लगभग 5 महीने बचे हैं। अभी पर्टिकुलरली एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें लोग नए आईफोन का भी वेट करते हैं, इसी के साथ जो पिछले साल का एग्जिस्टिंग मॉडल होता है उसे खरीदें या फिर नहीं, ये कंफ्यूजन भी होती है। सो आज मैं इन सभी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ, लाइक आईफोन 16 में आईफोन 15 के मुकाबले क्या अपग्रेड्स रहेंगे, आपको वेट करना चाहिए या फिर नहीं, एंड इसी के साथ बात करेंगे आईफोन 16 के लॉन्च के टाइम पे जब फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न की सेल आएंगी जो कि हर साल आती है, उनमें पर्टिकुलरली पुराने आईफोन्स के कितने प्राइस ड्रॉप होंगे। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड एज मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। सो हे गाइस, आई एम अंकित, यू आर वॉचिंग गैजेट्स लाइव, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 16 के अपग्रेड्स की। अब देखो, रिसेंटली यहाँ पे आईफोन 16 की डमी यूनिट्स की इमेजेस लीक हो चुकी हैं एंड यहाँ पे चीजें वैसे ही दिखाई दे रही हैं जैसे कि लीक्स एंड रूमर्स में बताई जा रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईफोन 16 एंड आईफोन 16 प्लस में वर्टिकल कैमरा सेटअप, जो कि एकदम न्यू डिजाइन हो जाता है आफ्टर सो लॉन्ग, क्योंकि आईफोन 13 के बाद से आपको यहाँ पे डायगोनल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा था 3 साल तक। अच्छा, हमें ये चीज भी पता थी कि आपको सभी आईफोन मॉडल्स में इस बार एक्शन बटन देखने को मिलेगा, बट जो चीज कंफर्म नहीं थी वो है कैप्चर बटन। बट इन इमेजेस को देखने के बाद यहाँ पे चीजें काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी आईफोन मॉडल्स में कैप्चर बटन देखने को मिल रहा है, नॉट ओनली 16 प्रो सीरीज, एंड कैप्चर बटन अल्टीमेटली काफी यूजफुल रहने वाला है। बाकी इसके अलावा अगर हम और अदर इम्प्रूवमेंट्स की बात करें ओवर आईफोन 15, तो देखो आपको यहाँ पे हर चीज में इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी ही, लाइक कैमरा, चिपसेट, डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी, मॉडेम, बैटरी लाइफ एक्सेट्रा। अभी करंटली आईफोन 15 में है A16 बायोनिक चिप, बट आईफोन 16 एंड 16 प्लस में आपको देखने को मिलने वाली है A18 बायोनिक चिप, जो कि डेफिनेटली इससे इम्प्रूव्ड होगी, एंड इसी के साथ आपको देखने को मिल सकती है 8GB रैम। सो देखो, मेन मुद्दे की बात करते हैं, आईफोन 16 आईफोन 15 के मुकाबले कितना बड़ा अपग्रेड होगा। आई वुड से एक अच्छा अपग्रेड होगा, बट इतना भी ज्यादा मेजर नहीं जितना आईफोन 14 के मुकाबले आईफोन 15 था। सो अभी आईफोन 15 को 65 से लेकर 70,000 रुपीज में खरीदने के बजाय अगर आप वेट करना चाहते हो, वेट कर सकते हो, ऑब्वियसली वेल एंड गुड है, आपको बैक से ऑल न्यू डिजाइन मिलेगा। एंड हाँ, यहाँ पे एक और चीज आती है, अगर यहाँ पे आईफोन 16 में वर्टिकल कैमरा सेटअप आने वाला है, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डायगोनल कैमरा सेटअप वाले आईफोन्स हैं थोड़े आउटडेटेड तो लगेंगे ही। अब आईफोन 16 के प्राइसिंग बढ़ने के ऐसा कोई भी रिपोर्ट्स नहीं है, सो मोस्ट प्रोबेबली आईफोन 16 भी 80,000 रुपए का लॉन्च होगा एंड आईफोन 16 प्लस 90,000 रुपीज का। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आईफोन 15 अभी ही खरीदना है, आईफोन 16 के आने का वेट नहीं कर सकते हैं, उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा आप किसी ऐसी जगह से खरीदें जहाँ पे आपको अच्छे ऑफर्स मिल जाएं। लाइक इसे अगर आप खरीद रहे हो ऑफिशियली एप्पल से 80,000 रुपए में, ऐसा मत करना, क्योंकि फोन आपको करेंटली 62 से लेकर 65,000 रुपीज में इजिली मिल जाएगा आफ्टर ऑल द डिस्काउंट्स। एंड अगर बीबीडी सेल में 55,000 रुपए का मिलता भी है, सो यहाँ पे 7 से लेकर 8,000 रुपए का फर्क है, 5 महीने का टाइम भी है, देन उस केस में घाटा कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। एंड वही बात करें सेल की, तो जैसा कि हर साल होता ही है, अगर सेम ट्रेंड फॉलो होता है तो आपको फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में देखने को मिलेगा आईफोन 15 एंड आईफोन 13, एंड वही अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में आईफोन 14। बात करें आईफोन 15 की प्राइसिंग की, तो इस फोन के लिए बहुत ज्यादा डिमांड रहने वाली है, सो आई डोंट थिंक ये 50,000 रुपीज के अंडर जाएगा, क्योंकि आईफोन 14 के साथ भी ऐसा ही हुआ था, कुछ टाइम के लिए कुछ यूनिट्स ही बिके थे, उसके बाद यहाँ पे प्राइसिंग 55,000 रुपीज के आसपास हो गई थी। तो आईफोन 15 वही 50 से लेके 55,000 रुपीज में बिकेगा, जो कि सच में बहुत किलर प्राइसिंग हो जाती है इस फोन के लिए, क्योंकि एक्चुअल में ऑफरिंग्स हैं। पिछले साल आईफोन 14 में इतनी ज्यादा ऑफरिंग्स नहीं थी 50-55,000 रुपए के हिसाब से, बट इसमें बहुत ज्यादा है। वहीं अगर अमेज़न पे आईफोन 14 आया, उसकी प्राइसिंग 42 से लेके 43,000 रुपीज होगी, एंड जो आईफोन 13 है, एज आई सेड, मोस्ट प्रोबेबली आएगा फ्लिपकार्ट पे, जो कि मिलेगा 37 से लेके 38,000 रुपीज में, एंड कार्ड ऑफर्स वगैरह लगाने के बाद वही 35 से लेके 36,000 रुपीज में। सो गाइस, वैसे आप लोगों का क्या प्लान है, आईफोन 16 के आने के बाद उसे खरीदना या फिर आईफोन 15 या फिर ओल्डर आईफोन्स को खरीदना प्राइस ड्रॉप की वजह से, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ना आप लोग आईफोन 16 के लिए कितना एक्साइटेड हो, वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, चैनल पर नहीं हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।